कुछ भी लालच हो, कुछ भी इच्छा हो, टीवी पे जाना बंद कर दो। आपको इंटरव्यू देने का इतना शौक है तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि सोशल मीडिया की जो ईमानदार मीडिया है, वो जो एक्चुअल फोर्थ पिलर है, वो आपके पास आके आपका इंटरव्यू ले। जहां ये लोग नजर आए वहां इनसे कन्नी काट ले, इनका बायकॉट कर, ये नजर आए तो इनसे दूर चले जाए। कि आप पहले तो इन्वाइट ही ना करें इनकी किसी फंक्शन में, दो मिनट में ठीक हो जाएंगे और दो मिनट में मैसेज चला जाएगा फिर पूरे देश को कि इन लोगों के बायकॉट हो रहे हैं, तो ये नुमाइंदे हैं ही नहीं मुसलमानों के, ये भी मैसेज जाएगा अगर इनका कहीं गलती से किसी ने मुंह काला कर दिया। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर एडवोकेट महमूद पराचा साहब की शब्दों से बात की जाए तो क्रिमिनल मीडिया, वो क्रिमिनल मीडिया आजकल जो है मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर लगातार काम कर रहा है। और सिर्फ आज से ही नहीं, बीते 2014 के बाद से ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। वो कभी तमाम मुद्दों पर बहस करता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो आपको बहस करता हुआ दिखाई देगा तो दी कश्मीर फाइल्स पर, वो आपको बहस करता हुआ दिखाई देगा दी केरला स्टोरी पर, वो आपको बहस करता हुआ दिखाई देगा 72 हूरों पर, तो कभी बहस की जाएगी अजमेर 92 पर। और इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और कॉमन बात यह है कि किसी भी मुस्लिम को पकड़ लिया जाता है और जो हमारे साथ में चलने वाले लोग भी होते हैं उन्हें भी डिबेट में बैठाया जाता है और कहा जाता है कि साहब ये तो इस्लामिक स्कॉलर है, मुस्लिम विद्वान और मुस्लिम धर्मगुरु कहकर के उन्हें बताने की कोशिशें की जाती है। और अभी हाल ही में किस तरीके से 72 हूरों पर मौलाना रशीदी और इसके बाद शोएब जमाई को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें आई, सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये कुछ चुनिंदा मुसलमानों को टीवी डिबेट में क्यों बैठाया जाता है। इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, किसी को भी पकड़ो इस्लामिक स्कॉलर हो गए, मुस्लिम विद्वान हो गए या मुस्लिम धर्मगुरु, ये किस तरीके की तस्वीरें और कितनी खतरनाक है ये खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए? देश के लिए मैं कहूंगा, मुस्लिम समुदाय तो देश का सिर्फ 15% पॉपुलेशन है, पूरे देश को बर्बाद करने में आरएसएस ने जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद नामक आतंकवादी संगठन बनाए हैं और दूसरे भी हिंदू सेना और बहुत सारे, उसी तरीके के ये आतंकवादी संगठन के तौर पे लो आप इन सब क्रिमिनल मीडिया, ये उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का सबसे अहम एक जो कहते हैं ना वो विंग है, क्योंकि यही चाइना और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए देश में जो असली मुद्दे हैं, जो देश को मजबूत बना सकते हैं, उनको छुपाने का काम और देश को कमजोर करने के लिए आपस में लड़वाने का काम सबको कर रहे हैं। इसके कितने पैसे इनको आरएसएस के लोगों को मिल रहे हैं बाहर से, कितने पैसे इन जो ये क्रिमिनल मीडिया इसको आरएसएस दे रही है या डायरेक्टली ले रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक दिन इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये लंबे टाइम के लिए सब जेलों में प्राप्त होंगे, यूएपीए और दूसरे ऑफेंसेस में, हाई ट्रीजन के ऑफेंसेस। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, मैं खुद जाता था, आप लोगों ने देखा होगा उस समय, सिर्फ और सिर्फ मैंने मेनस्ट्रीम मीडिया में जाना इसलिए शुरू किया था, वरना मैं पहली सरकारों में इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि ज्यादातर लोग इसमें सच्चाई बयान नहीं करते, लेकिन 2014 के बाद से तो जबरदस्त तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज इस सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया क्रिमिनल मीडिया ने शुरू की। उसके बावजूद भी मैं एक बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए गया था, उसकी वजह यह थी कि मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि ये सब जो ये पूरा ड्रामा रचते हैं जिसमें पेड लोग आते हैं, जैसे WWE में नूरा कुश्ती होती है ना, एक पहलवान पिटने ही जाता है, पैसे लेके पिटने ही जाता और उसको फिर पीटा जाता है जबरदस्त तरीके से, उसको मार मार के एकदम हदमदारा कर उसकी बेइज्जती कर करके उसको लिटा दिया जाता है, लेकिन उसको भी स्टार बना के प्रस्तुत किया जाता है कि ये इतना बड़ा पहलवान है लेकिन दूसरे पहलवान ने इसकी इतनी पिटाई की, ना वो पहलवान असली होता है ना ये पहलवान असली होता है, तो ये नकली पहलवान बनाने के लिए और पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ये साजिश की जाती है।
मैंने जाके ये नैरेटिव तोड़ने की कोशिश की कि सारी नूरा पुश्ती को एक अकेला आदमी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और काफी हद तक मैंने की भी, लेकिन इतना ही मेरा मकसद था जाने का। और साथ के साथ एक नैरेटिव, जो ये नैरेटिव भी बनाते हैं ना ये लोग जो जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको खुद तो पर्सनली सबको मना किया है कि जब आपको, मतलब तब तक मैं ईमानदारी से यही समझता था, शराफत से या बगैर इनके बारे में प्रेजुडिस हुए, कि आप लोग क्यों जाते हैं, आप लोग थोड़ी इन मक्कारों का मुकाबला कर सकते हो, और मक्कारी में सबसे ज्यादा मक्कार तो वही है जो आपको एंकर बुलाता है। आप लोगों की इतनी जरूरत और हिम्मत थोड़ी हो सकती है कि एंकर को बोलो कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, और मैं नहीं बोल सकते ना तुम, क्योंकि आप लोगों को तो वहां जाना ही है, उससे आपका स्टेचर बढ़ता है। ये सब बातें मैंने इनसे बहुत सारे लोगों से की कि वैसे आप अपना स्टेचर बनाने के लिए जाते हो, फिर आपको पैसे भी मिलते हैं, फिर आपको कोई नहीं जानता था तो आपको जान पहचान हो जाती है सब जगह, तो कई फायदे होते हैं आपको, लेकिन उससे आप कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। वो मत करो, जाओ ही नहीं, जाओ तो फिर बहादुरी का मुजाहरा करो, नॉलेज लेके जाओ, पढ़ के जाओ, तैयारी करके जाओ, इस तरह मत जाओ। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। साथ के साथ जब मैं जाता था तो मैं सोशल मीडिया पे भी शिफ्ट हो रहा था। सोशल मीडिया को हम लोग पूरी ताकत लगा के, अपनी जितनी भी हमारी हैसियत थी, जो सोशल मीडिया पे असली जर्नलिस्ट हैं और जो ये जो नकली जर्नलिस्ट क्रिमिनल्स हैं उनसे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा टैलेंट रखते हैं। आप लोगों का ही मैं एग्जांपल दे दूं तो आपके पास कितने लोगों की टीम होती है, मुश्किल से मुट्ठी भर लोगों की टीम, उनके पास कितनी टीम होती है जो ये नकली कपड़े पहन के बैठे होते हैं ऊपर, सैकड़ों हजारों की, और अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क और उनसे कंपेयर करवा, कोई है कंपेरिजन? आप लोग फिर भी उनसे अच्छा कर रहे हैं, तो वो इतने इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो भी तो चोरी है ना, कोई वो जर्नलिस्ट थोड़ी है, अगर थे भी तो खत्म हो गए। अब जब चोरी के काम में और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो गए, तो जितनी बहुत जर्नलिस्ट कैपेसिटी थी उन लोगों की तो खत्म हो गई। अब तो जैसा खाओगे, जैसा इंटरेस्ट रखोगे, वैसे ही बन जाते हो। तो ये लोग जो जाते हैं ये प्योरली प्योरली इस काम के लिए जाते हैं कि एंकर के दोस्त होते हैं। आप किसी भी गलतफहमी मत रहे कि एंकर के, ये शायद एंकर से नाराजगी जाहिर करेंगे या कुछ भी करेंगे, एंकर इनको बुलाते हैं। बड़ा बड़ा आप देखें कितने मजाक की बात है कि उनको पहले ऑल इंडिया, हर एक कोई ऑल इंडिया से कम मिला है आपको वहां पे भी। कोई भी ऐसा आलिम, मौलाना, इंटेलेक्चुअल ऐसा मिला है जो ऑल इंडिया से कम हो? ऑल इंडिया लिखने में जितनी टाइम लगता है उतनी देर में ऑल इंडिया बन जाते हैं, मेरे ख्याल से 1.5-2 सेकंड लगते हैं ना, उतने ही सेकंड में ये ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं किसी भी चीज के। तो ये इनकी जो तंजीमें हैं उनके नाम भी टेलर मेड मेक करके ये एंकर ही देते हैं, उसके फिर वो ये वो बन जाते हैं। कोई जाके कुछ, अब जब 5 या 6 हजार रुपए मिल रहे हैं, मुझे अर्णब गोस्वामी ने एक बार पैसे देने की जरूरत की, मैंने कहा तेरी जितनी औकात है ना उससे ज्यादा मैं कमा के छोड़ चुका हूं, ये मैंने अर्णब गोस्वामी को बोला था, और चेक भिजवाया था तो उसको मैंने वापस किया था, दोबारा ऐसी हिम्मत मत कर लेना, तेरी औकात नहीं है मुझे चेक देनी, ये मैंने अर्णब गोस्वामी साहब को बोला था। तो ये तो ये कर नहीं पाएंगे, अर्णब गोस्वामी को तो ये ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते, और मैंने तो टीवी पे भी ये सब उसके साथ किया था। तो और मैंने भी ये बोला कि अगर तुम लोग जेन्युइन है, वो जेन्युइन बात है, मैं कोई मोदी जी की तरह प्रेस से भागूंगा थोड़ी, पर जेन्युइन प्रपोजल मैंने ये दिया क्योंकि मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने अब तो मैंने बायकॉट ही कर रखा है ना कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा मेरी शर्त है एक, उस शर्त के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं हुआ है आज तक। तुम लोग 50% टाइम मुझे दोगे, लाइव प्रोग्राम होगा, तुम 1 या 10 या 100 लोग बुलाओ, 50% इन 100 लोगों का या एक आदमी का, 50% टाइम मेरा, फिर आप डिबेट कराओ। उसके बाद से ये एक भी क्रिमिनल मीडिया वाला मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, सब नादारा था। ये इनकी औकात और हैसियत। अब आगे चलते हैं, इन लोगों को भी अब ये समझ लेना चाहिए, चलो एक जा रहे हैं, आप उस साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हो, जब मुकदमे दर्ज होंगे ना ये इंटरनेशनल एक्टिविटीज करने के बाद, तो आप लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, आप लोग इस साजिश का हिस्सा, ये सोच समझ के जो भी आप कर रहे हो करो एक बार। दूसरी बात, आपका सबका इंतजाम हुआ है, ये आरएसएस वाले सिर्फ आपको फिजिकली बिठा के और उस तरीके से शब्दों से पीटने के लिए नहीं बुलाते, पैसे देके या जो भी लालच देके या आप जिस भी लालच से जाते हो, बल्कि ये आपको किसी ना किसी मुद्दे पे, ऐसे किसी केस में, जैसे ये लेटेस्ट एग्जांपल है, उससे पहले भी मौलाना के ऊपर केस बना था, उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी कि उन्होंने हाथ छोड़ दिया और फिर वो केस बना उनके,
तो ये केसेस आपके ऊपर बनवा के, क्योंकि इससे भी आपको कुर्बान करके आपकी बलि देके उसका भी फायदा आरएसएस और बीजेपी को और चैनल को होगा, तो ये खुद भी आपको जेल भिजवा सकते हैं, और जब ईमानदार लोगों की सरकारें आएंगी या ईमानदार लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आप उसमें भी फंसोगे इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तो ये दोनों ही सूरतों में मेरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है, बिल्कुल कुछ भी लालच हो, कुछ भी इच्छा हो, टीवी पे जाना बंद कर दो। आपको इंटरव्यू देने का इतना शौक है तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि सोशल मीडिया की जो ईमानदार मीडिया है, वो जो एक्चुअल फोर्थ पिलर है, वो आपके पास आके आपका इंटरव्यू ले ताकि लोग आपको जेन्युइनली सुने। अगर आपके पास कोई सच्चे अच्छे विचार हैं जिससे कौम को और देश को फायदा हो सकता है कोई, तो इन लोगों को दो ना इंटरव्यू। सर इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल इसी पर लेना चाहूंगा, क्योंकि लोगों में जो डिबेट होती है, मुस्लिमों की जो छवि बनाई जाती है उसमें से मुस्लिम नाम आगे, तो समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी और सवाल कॉमन रहता है कि आखिरकार ये लोग रुकते क्यों नहीं है और कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है जो नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए आसान है, ये सब तो आपके और हमारे हाथ में। एक तो हम लोगों की भी ये गलती है, मतलब कम्युनिटी की ये गलती है, कहीं नजर आ जाते हैं। कोई अगर टीवी पे कोई बंदर या जोकर है वो अगर कहीं नजर आ जाता है तो हम लोग जाके उसके पास खड़े जाते हैं, एक उसको एक आला समझ के उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, इससे भी इनका दिमाग खराब होता है। अगर कोई बंदर भी अच्छा टीवी पे नजर आएगा ना तो आप और मैं जाके उसके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करेंगे, तो ये टेंडेंसी को हमें दूर करना पड़ेगा। जहां ये लोग नजर आए वहां इनसे कन्नी काट लें, इनका बायकॉट करें, ये नजर आए तो इनसे दूर चले जाएं। कि आप पहले तो इन्वाइट ही ना करें किसी फंक्शन में, दो मिनट में ठीक हो जाएंगे और दो मिनट में मैसेज चला जाएगा फिर पूरे देश को कि इन लोगों के बायकॉट हो रहे हैं, तो ये नुमाइंदे हैं ही नहीं मुसलमानों के, ये भी मैसेज जाएगा। अगर इनका कहीं गलती से किसी ने मुंह काला कर दिया कहीं तो आप देखो कितना बड़ा मैसेज जाएगा फिर। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर नहीं करेगी लेकिन आप तो कवर करोगे सोशल मीडिया, तो फिर मैसेज चला जाएगा कि ये लोगों के बारे में तो ये ओपिनियन रखती है पूरी कम्युनिटी, तो फिर ये वो मैसेज देने का वो इस्तेमाल में नहीं आ सकते, फिर इन्हें आरएसएस वाले ये और ये क्रिमिनल मीडिया बुलाना ही बंद कर देंगे। अगर इन लोगों का इलाज इस तरीके से हो जाए कि इनका सोशल बायकॉट किया जाए, इनको इनके को रोक के इनके अगर किसी ने गलती से भी मुंह काला कर दिया, मैं कह नहीं रहा हूं कोई कर दे, तो फिर पूरा इलाज हो जाएगा, फिर पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, फिर ये जो 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 बहुत सारे वोटों को कंसोलिडेट कराने का काम करते हैं, मुसलमानों की नफरत पैदा करने में जो ये आरएसएस के लोगों से भी ज्यादा मदद करते हैं, जो लोग इस तरह के लोग हैं ना, वो जो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले अपनी कैंपेनिंग में हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं उससे भी ज्यादा काम कंसोलिडेशन का, ये उनके बड़े कैंपेनर्स हैं। तो जब ये कैंपेनर्स खत्म हो जाएंगे, उनकी कैंपेन वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो इन लोगों को बुलाना भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये भी तरीका है जो हमारे यहां, मुंह काला तो नहीं करना चाहिए, खैर गुस्से में भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये तो कर सकते हैं कि आप दूर हो जाओ, हम आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप पूरी कौम को और पूरे देश का नुकसान करते हैं।